नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्स्ट में आपका स्वागत है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था भारतीय टीम की जो गाबा टेस्ट में जीत हुई है, ऐतिहासिक, भारत ने 2-1 से सीरीज जीती है। इस सीरीज के आखिरी मैच में 5वें दिन के खेल के बारे में हमने काफ़ी कुछ बात की थी, और उसमें आपको बताया था मैंने ऋषभ पंत की एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि ऋषभ पंत को उनकी माँ किस तरीके से लेकर आती थी दिल्ली खिलाने के लिए, जबकि वो रुड़की के मूल निवासी हैं, जो कि दिल्ली से लगभग 150-200 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पर आकर गुरुद्वारे में रुकती थी, और गुरुद्वारे में रुककर ऋषभ पंत के लिए वो खाने पीने की व्यवस्था करती थी। ऋषभ पंत कोचिंग करने के लिए जाते थे, इसके अलावा दिल्ली के लिए अंडर 16 वगैरह के मैच खेलते थे। 2-3 महीने तक यहाँ पर रहती थी और उसके बाद वो उन्हें लेकर चली जाया करती थी। पिता का निधन उनके बचपन में ही हो चुका था। तो दोस्तों, ये जो सारी स्थिति है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऋषभ पंत आगे बढ़े। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम की जो वर्तमान टीम है, इसमें कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम गुदड़ी के लाल कह सकते हैं, और जिन्होंने इस मैच में कमाल किया है और भारत की जीत में बड़ा रोल प्ले किया है। इन सब के परिवार के बारे में आपको एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूँगा, और ये भी बताना मैं चाहूँगा कि किसी भी स्टार को बनाने में, खासतौर से खिलाड़ी में, चाहे वो क्रिकेटर हो, हॉकी प्लेयर हो, टेनिस प्लेयर हो, परिवार का योगदान कितना बड़ा होता है। मोहम्मद सिराज दूसरी इनिंग में गाबा टेस्ट के उन्होंने 5 विकेट लिए 73 रन देकर। मोहम्मद सिराज के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं हैदराबाद में, मोहम्मद गौस उनका नाम है। और अभी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी दौरे पर टीम, तो उसी समय उनके पिता का निधन हो गया था नवंबर में, और वे अपनी टीम के साथ वहीं पर रुके, वापस नहीं आए। और उन्होंने टीम के लिए खेलने का फैसला किया और 5 विकेट चटकाए, अपने पिता को उन्होंने समर्पित किया। उन पर कुछ लोगों ने वहाँ पर नस्लवादी टिप्पणियाँ भी की थी, जिसे लेकर सभी ने हालांकि आलोचना की, और उन इन सब की परिस्थितियों के बावजूद मोहम्मद सिराज ने अपना स्थान टीम में बनाकर दिखाया। इसके अलावा नवदीप सैनी फास्ट बॉलर हैं, और ये कहा जाता है कि इस समय भारत के स्पीड के हिसाब से सबसे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी हैं। और नवदीप सैनी की इस सफलता के ले के में सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर वो शख्स थे जिन्होंने नवदीप सैनी को पहचाना था, और इस बात को लेकर गौतम गंभीर और बिशन सिंह बेदी के बीच में हॉट टॉक भी हुई थी। बिशन सिंह बेदी का मानना था कि नवदीप सैनी उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन बिशन सिंह बेदी को दरकिनार करते हुए गौतम गंभीर ने नवदीप सैनी को अपनी टीम में रखा था। उनकी बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, करनाल में बस चालक हैं उनके पिता, ड्राइवर हैं, और नवदीप सैनी 1,000 रुपये में दिल्ली में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, और दिल्ली के प्रथम श्रेणी खिलाड़ी सुमित नरवाल उन्हें रणजी ट्रॉफी के नेट अभ्यास के लिए लाए थे। उस समय कप्तान गौतम गंभीर थे, उन्होंने उन्हें टूर्नामेंट के लिए चुना। भारी विरोध के बीच गंभीर अपनी जिद पर अड़े रहे और सैनी को टीम से बाहर करने पर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नवदीप सैनी को टीम से बाहर किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। यानी कि कुल मिलाकर परिवार के साथ साथ गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी उनके गॉडफादर हैं। चेतेश्वर पुजारा बहुत कूल होकर खेलते हैं, उनके पिता अक्षिब्द पुजारा उनका काफ़ी योगदान है। उन्होंने जूनियर क्रिकेट खेलते हुए, उनकी माँ का निधन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार अपने क्रिकेट को फोकस बनाए रखा। शार्दुल ठाकुर पालघर के रहने वाले हैं, आपको ध्यान होगा पालघर बहुत विवादित जगह है, और महाराष्ट्र में यहाँ एक बड़ी घटना हुई थी पिछले साल जहाँ काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और 13 साल की उम्र में इन्होंने जो स्कूल क्रिकेट होती है, हैरिस शील्ड जिसे कहते हैं, उसके एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। इसके बाद वे विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के छात्र रहे, और उन्होंने भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा भी वहीं पर पढ़ते थे, और उन्होंने दिनेश लाड से कॉन्ट्रैक्ट
कोचिंग ली। वाशिंगटन सुंदर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि उनके पिता, उनके जो मेंटोर हैं वो पीडी वाशिंगटन को, उनकी स्थिति ये है कि उनके पिता उनकी प्रेरणा हैं। इसके अलावा राहुल द्रविड़ और पारस महाम्बरे, इन दोनों खिलाड़ियों ने भी इनके कैरियर में काफ़ी योगदान दिया। टी नटराजन जो फास्ट बॉलर हैं, दक्षिण के तमिलनाडु के सुदूर गांव छिन्नमपट्टी के खिलाड़ी हैं। उनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और बताया जाता है कि उनके पास गेंदबाजी के लिए स्पाइक्स जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने गांव में क्रिकेट अकादमी भी शुरू की है दूसरे खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। अजिंक्य रहाणे के बारे में बताऊं कि ये लोकल ट्रेन से सफ़र करते थे मुंबई में, और प्रवीण आमरे जो पहले भारतीय टीम के बल्लेबाज रहे हैं उनकी देखरेख में उन्होंने संभाला था और आज उन्होंने अपना स्थान बनाया है। इन सब लोगों के बारे में छोटी छोटी कहानियाँ बताने का मेरा एक उद्देश्य था। अक्सर दोस्तों हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार को खिलाड़ी बनाने के लिए सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, अच्छे स्टेडियम बनाने चाहिए, सारा सेटअप लगाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी खिलाड़ी को खिलाड़ी, महान खिलाड़ी बनाने के लिए इंटरनेशनल पर परिवार की सपोर्ट मेन चीज़ होती है। केवल भारत में नहीं, बाहर भी अगर मैं बात करूँ, बोरिस बेकर, स्टीफन एडबर्ग और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके परिवारों के लोगों ने कुछ कुर्बानियां दी हैं जिसकी वजह से वो इतने बड़े खिलाड़ी बन पाए हैं। उसके बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देखिए, सचिन तेंदुलकर के भाई अजित तेंदुलकर उन्हें स्कूटर पर बैठाकर खेलने के लिए ले जाते थे, कहाँ कहाँ ले जाते थे, जहाँ जहाँ वो छोटे से थे उन्हें जहाँ जाना होता था वो जहाँ उनके साथ जाते थे। इसके अलावा उनकी चाची उनकी देखभाल करती थी, उनके खाने की व्यवस्था रखती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकारी सेटअप की बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी को बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है कि ओलंपिक में चयन समितियों में गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, खिलाड़ियों की प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय हो जाता है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के अंदर टैलेंट उसके परिवार के लोगों को ही पहचाननी पड़ती है और उसे खुलकर सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे कि शुभमन गिल पंजाब के फाजिलका इलाके के रहने वाले हैं और शुभमन गिल की खास बात यह है कि बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हैं और इनके जो दादाजी थे, बताया जाता है कि उन्होंने खेतों में ही इनके लिए क्रिकेट की पिच तैयार करवा दी थी कि बेटा प्रैक्टिस करो। यानी कि परिवार की सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको भी अगर अपने बच्चों में टैलेंट दिखाई देती है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें। इस भरोसे ना रहें कि स्कूल की टीम उसे ग्रैब करेगी, कोई उसे कोच करेगा, या सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, या सरकार की तरफ से उसे कोई इनाम मिलेगा, या उसे कोई चयन किया जाएगा किसी टीम में। इसका इंतज़ार ना करें। खिलाड़ी आपके घर में अगर कोई है, कोई बच्चा टैलेंटेड है, तो उसे सपोर्ट करें। उस खेल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स की उसे ज़रूरत है, जिस तरह की कोचिंग की उसे ज़रूरत है, उसे वो दिलवाएं, तभी ये सब कुछ संभव है। तो इन सब खिलाड़ियों की सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आपके परिवार में आपके बच्चे खेलते हैं, किसी भी खेल को खेलते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें एनकरेज करें, उन खेलों से संबंधित जो उपकरण हैं वो उन्हें खरीद कर दें। उन्हें अगर आप चाहते हैं कि वो जूते चाहिए उसके लिए, या क्रिकेट बैट चाहिए, या ग्लव्स चाहिए, किसी भी तरह की चीज़ चाहिए, तो उन्हें उपलब्ध कराएं। आपके पास अगर कोई कोचिंग सेंटर है, उसे कोचिंग दिलाने का प्रयास करें, उनकी प्रतिभा को निखारें, तभी ये संभव है। और परिवारों के सपोर्ट के बिना कभी खिलाड़ी नहीं बने हैं, ये इतिहास है, आप उठाकर देख लीजिए। सरकारी सिस्टम को दोष देना तो बिल्कुल गलत है। सरकारी सिस्टम तो तब अमल में आता है जब खिलाड़ी उभर कर सामने आता है, उसके बाद सरकार की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ती। इन खिलाड़ियों की सक्सेस स्टोरी से प्रेरणा लें और आपके बच्चे, घर परिवार में अगर कोई टैलेंटेड खिलाड़ी है तो उसे सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। देखते रहें ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।